इंदौर में आए दिन धोखाधड़ी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कुछ ऐसे ही मामले में पुलिस ने एक आरोपी रमाकांत को हिरासत में लिया है। फरियादी को कंपनी द्वारा डायरेक्टर बनाने के नाम पर 5 लाख रुपए की धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस गिरफ्त में आए आरोपी रमाकांत से पूछताछ कर रही है। इसमें वारदात के पीछे अन्य और भी कई लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, जहां गिरोह ने फर्जी कंपनी बनाकर डायरेक्टर बनाने के नाम पर कई लोगों से ठगी की थी और इस वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल पूछताछ के बाद और भी कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। थाना लसूड़िया के अंतर्गत फरियादी द्वारा एक सप्ताह पूर्व शिकायत की गई थी कि उसको साइट बनाने वाली कंपनी में डायरेक्टर बनाने के नाम पर उससे पैसे लिए गए और ये पैसे लेकर उसने धोखाधड़ी कारित की गई है। इस संबंध एक संदिग्ध को थाने लाया गया है, इससे पूछताछ की जा रही ताकि आरोपी के साथ की गई धोखाधड़ी और उसके तरीके व और साथियों के शामिल होने के बारे में पूछताछ की जा सके। अभी तक जो प्राइमरी शिकायत में तथ्य मिले उसमें 5 लाख की धोखाधड़ी की बात आई है, राशि इससे भी ज़्यादा हो सकती है। और इसके अलावा जो रमाकांत नामक व्यक्ति है जिसको कि पूछताछ के लिए बुलाया गया है, बिल्कुल हो सकते हैं इसमें और सहयोगी, क्योंकि कंपनी को एक व्यक्ति नहीं चलाता और व्यक्ति भी शामिल हो सकते हैं। अभी इसे प्रारंभिक तौर पर इससे पूछताछ की पड़ताल की जा रही है।